ऐना कोविड से संक्रमित थी, इलाज चल रहा था। कुछ महीनों बाद वो अपने परिवार से मिली। उस समय ये पुख्ता नहीं था कि अब वो कोरोना संक्रमित है या नहीं। जब वैज्ञानिक ने उनसे पूछा, उसकी जांच की, तो उसने बताया कि वो अपने पिता की आवाज किसी और के चेहरे से आते सुन रही थी। जो चेहरा सामने था वो उसके पिता नहीं थे। मार्च 2020 में कोविड-19 संक्रमण से पहले ऐना सबके चेहरे सामान्य तरीके से पहचान रही थी। संक्रमण के कुछ दिन बाद वो ठीक होने लगी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वह फिर बीमार पड़ी। तब से उसे चेहरे पहचानने में दिक्कत हो रही है। वैज्ञानिक इसे फेस ब्लाइंडनेस कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे प्रोस्पोगोनेसिया कहते हैं। ये लॉन्ग कोविड से संबंधित दिमागी समस्याओं की सूची में जोड़ लिया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने 50 से ज्यादा लोगों की स्टडी की। इन सभी को लॉन्ग कोविड था। उन्हें ये भी दिक्कत आ रही थी कि वो आसानी से चेहरा नहीं पहचान पा रहे थे। इस समय की शुरुआत उनके संक्रमण से ही थी। 28 साल की ऐना ने बताया कि उसे चेहरे पानी की तरह दिखते हैं, हिलते डुलते और बहते हुए। अब उसे पेंटिंग बनाने के लिए लोगों से राय लेनी पड़ती है, मदद लेती है ताकि सही से पेंटिंग बन सके। मेमोरी डिफेक्ट की वजह से दिशा भी भूलते हैं लोग। डार्टमाउथ कॉलेज के न्यूरोलॉजिस्ट मैरी लुई किसलर और ब्रेड डचेन ने ऐना पर कई तरह के टेस्ट किए, फिर इस बात की पुष्टि हुई कि उसे चेहरा पहचानने में दिक्कत हो रही है। उसे खास तरह का फेस मेमोरी डिफेक्ट हुआ, लेकिन ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। धीरे धीरे ये ठीक हो सकता है। लेकिन ऐना को दिशा भ्रम भी होने लगा। वो नेविगेशन में परेशान होने लगी। जो रास्ते उसे याद रहते थे, अब उसे GPS लगाना पड़ता है।